हाय गाइस, आई एम श्याम सुंदर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इलेवन गेमिंग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया और आगे भी बढ़िया रहेंगे। सो गाइस, अभी चल रहे हमारे फ्री फायर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। सो गाइस, अभी आपका गेम ओपन नहीं हो रहा होगा या किसी का ओपन हो रहा होगा और गेम से बाहर कर दे रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ ये कई बार हो चुका है। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो गाइस, आपको पता है कि अभी जल्दी फ्री फायर में कितना बड़ा अपडेट आया था, वो भी 24। तो इसके वजह से कुछ बग्स एंड ग्लिचेस आ चुके थे गेम में। तो इसके लिए अभी हमारे ये भी एक बहुत ही बड़ा ग्लिच है गेम का, उसी अपडेट का ग्लिच है, और इसके वजह से हमारे जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें दिक्कत ना है। तो शायद इसलिए हमारे सर्वर को डाउन कर रखा होगा। तो इसका कोई हल नहीं है, ना हम कोई हल बता सकते हैं और ना ही आप कुछ कर सकते हैं गाइस। तो ये फ्री फायर पे छोड़ देते हैं, फ्री फायर अपना इसको सही करेगा जैसे भी करे, और जल्दी करेगा, आप लोग चिंता ना करें। और ज़्यादा टेक्निकली बनने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे जल्दी जल्दी में क्या क्या करने लगते हैं तो इससे आपका ही गेम ख़राब होगा। और गाइस, ये सही होने के बाद कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद 10 या 15 MB का अपडेट आएगा, तो उतना तो आप कर सकते हैं। और कोई नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे करने दीजिए ताकि आगे से ऐसे कोई ग्लिचेस ना आए, आप फ्री फायर को अभी परेशान ना करें। अभी तो कोई ट्रेनिंग के लिए या क्लैश स्क्वाड के लिए वो सब तो चल रहे हैं, बड़ा मैच नहीं चल रहा है बैटल ग्राउंड, तो बस। और गाइस, टूर्नामेंट भी है, तो टूर्नामेंट में ये प्रॉब्लम ना है, तो इसकी वजह से हमारा सर्वर डाउन है। आप लोग चिंता ना करें, जल्दी ओपन हो जाएगा, ये ग्लिच अच्छा हो जाएगा। और गाइस, कम से कम 8 कंट्री में ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं सर्वर पे कितना लोड हो रहा होगा। और इसी बीच ये नया अपडेट आ गया है, तो टूर्नामेंट को रन कराने में कोई दिक्कत ना हो, इसकी वजह से गरीना ने हमें कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया है, यानी हमारा सर्वर डाउन कर दिया है। टूर्नामेंट बस अच्छे से हो जाना चाहिए, और गाइस आप लोग भी यही चाहते होंगे कि टूर्नामेंट ना रुके, और मैं भी यही चाहता हूँ। तो आप लोग परेशान ना हो और गरीना को भी परेशान ना करें, उसको अपने हिसाब से काम करने दे, और वो जल्दी सर्वर को ठीक कर देगा। आप खेल सकते हैं जल्दी, आज नहीं तो कल ज़रूर आप गेम को ओपन कर पाएंगे। वो आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, और आप लोग कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, टेक्निकली इशू नहीं है, आपके डिवाइस में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका नेट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पेशेंस रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड लक।